गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है एक और नए वीडियो। मैं हूं अभी मेला और मासा। मैं रुका हूं आईबी कैंप में। हमारे यहां जो बंदे हैं वो सारे के सारे झारखंड से हैं, तो बहुत ही बढ़िया लोग थे भाई। खाना वाना खिला दिया, रात का नाश्ता करवा दिया। अभी तो अभी निकलते हैं और बैग वैग सब रेडी है और लाइटें तो यहाँ 2-3 दिन से है ही नहीं, तो क्या चार्ज करे। गोप्रो थोड़ा चार्ज किया था, वो भी लैपटॉप से थोड़ी देर बैठ के कर लिया। हो जाएगा आज, आज का काम तो निकाल लेगा गोप्रो। फिर आगे जाके देखेंगे, कहीं पावर होगा तो चार्ज कर लेंगे सारे गैजेट। जब सुबह सुबह उठे कुछ नज़ारा मिले, क्या ही कहोगे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बाय बाय भैया, चलते हैं भाई धीमे धीमे। और भाई मैंने गलती कर दिया, गोप्रो ऑन ही छोड़ दिया था। रिकॉर्डिंग बंद थी बट गोप्रो तो ऑन था ना, तो पावर तो खाई गई, वापस रवानगी हो गई अपनी। एक बात और बता दूँ आपको मिजोरम के बारे में। मिजोरम में टैक्सी, बाइक टैक्सी भी मिलती है। जो भी टैक्सी है वो सब रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको। इनकी एक कमिटी है, उनमें दुकान फिक्स प्राइस होगी, जो कमिटी ने दे दी वही होगी। मैंने देखे काफी जगह मोबाइल में लाइसेंस वगैरह देखे रखे। भाड़ा सेम रहेगा, आप उससे ज्यादा या कम नहीं ले सकते। बाहर का आदमी यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। उसमें इतना बड़ा पेड़ गिर गया था। अरे यार बारिश भी आ गई, अब क्या करे, पेड़ के नीचे ही रहना पड़ेगा। बट ज्यादा हो गई तो फिर परेशानी हो जाएगी। कितना घना जंगल है भाई, बारिश कुछ ज्यादा ही आ रही है मेरे को लग रहा है। रेनकोट वगैरह निकाल लेता हूँ क्योंकि परेशानी हो सकती है। पहले ही अपनी सेफ्टी पहले रखते हैं भाई। हो गए भाई लोग बारिश के लिए रेडी। देखिए पूरा ऊपर से नीचे यही है भाई लाइफ स्टाइल। अभी टाइम हो रहा है 9:23। हाँ तूफान वगैरह आ रहे हैं तब नहीं चलना है बारिश में। अभी मैंने निकल गया तो क्या करूँ। अब मेरे को ये तो कंफर्म है कि गाड़ी मिलेगी नहीं 2-3 घंटे 4 घंटे तक, क्योंकि पीछे जो पेड़ गिरा था उसको हटाने में टाइम लगेगा। ये ऐसा ही है, वो कुछ ज्यादा ही आ गई है भाई लोग, तो यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा पेड़ के नीचे। फटाफट चल के कोई जगह ढूंढते, नहीं तो ऐसी कोई लैंडस्लाइड हो गई तो वैसे ही फंस जाएंगे अपन। तो सब जगह ढूंढनी जरूरी है। हाँ खाना खाया। हाँ जी चलिए चलते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ की जगह है तो चलो ठीक है वहाँ। हाँ थोड़ी देर। हाँ जी हाँ जी। हमारा भाई जैसे भी एग्जीवेटर में बैठ गया है, अभी चलाएगा गाड़ी। ओ भाई आसानी से घूम रहा है यार, बाहर बारिश हो रही है तगड़ी वाली। और देख रहे हो यहाँ से खोलता हूँ, तगड़ी बारिश हो रही है, नदी वगैरह दिख रहे हैं। काम तो करता है भाई, रेनकोट तगड़ा काम किया। नाम रेनकोट है लेकिन रेनकोट वाले काम पूरे कर दिए। चलो भाई बैठते हैं थोड़ी देर, है ना। बारिश हो रही है कुछ ज़्यादा ही, लैंडस्लाइड ऐसे स्टार्ट होती है। बारिश हुई अब वो पानी आएगा और देखिए धीमे धीमे गिरते रहेंगे पत्थर, धीमे धीमे गिरते गिरते देखो वो आ रहे हैं सामने, है ना। तो धीमे धीमे फिर पूरे एक साथ आने लगेंगे, फिर एक पेड़ गिरेगा ये ऊपर। बारिश तो रुकी है थोड़ी। ये रहा अपना एग्जैक्ट, इसमें बैठे थे अपन, आर्मी का है भाई ये, बीआरओ का। उसमें थोड़े देर टाइम बिताया अपने, थोड़ी देर तो क्या 40 मिनट के आसपास बैठे। ऐसा कुछ कीचड़ है से भी बच के निकलना पड़ेगा। अरे यहाँ तो अपनी गाड़ी अंदर जा रही है, थोड़ा आराम से निकलना पड़ेगी। जा रही है तो जा रही है। ये देखो ये ऐसे ऐसे करके पूरे नीचे चला जाएगा। नदी में पानी आया इसका मतलब बारिश काफ़ी हुई है भाई। बेस्ट चॉइस तेल का पैकेट मिल गया है, किसी गाड़ी में से गिर गया होगा, ये अपने काम आएगा। अभी अब बनाएंगे हम तेल से, क्या बनाएंगे भाई, अपने पास तो है नहीं ऐसा कुछ सामान। जो हमें खाना खिलाएंगे उनको दे देंगे भाई। ऐसा नहीं हो सकता क्या कभी, अभी आधा किलो मेरे को मिल जाए आटा। चलो 5 दो देते हैं, अभी आधा किलो मेरे को आटा मिल जाए और फिर नमक मिल जाए, मिर्च मिल जाए, ऐसा करके संभव हो तो बताओ यार, काम बन जाए अपना। अरे भाई ये क्या आ गया यार, इतना घना जंगल कैसे आ गया, देखते ही देखते इतना। अरे यार गाड़ी गई, गाड़ी फिर फिसल गई यार। अरे अरे कैसा रास्ता आ गया, जा पाएगी अभी गाड़ी की नहीं अपनी। यहाँ थोड़े पाँव फिसलने की ज्यादा संभावना है क्योंकि पत्थर वगैरह नहीं है ना इसलिए। अरे भाई नदी भी काफी बह रही है, नदी बह रही है, बहाव ज्यादा होने की वजह से अपन नहीं निकलेंगे, बाद में जाएंगे आराम से और देखेंगे कब तक ये कम पड़ती है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला आएगा उसके पीछे बैठ जाएंगे फिर निकल जाएंगे। भैया बता रहे वहाँ से वैसे जाना है, देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। और ये टाटा की गाड़ी है योदा, चलिए अभी उनकी बारी। ओ की बात है, ओ भाई ओ भाई, नो 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 नो। ओ भाई भाई अपने बैग ना भींग जाए, बाकी सब ठीक है। और वो उधर ही फंस गए भाई। अरे यार तो उसी रास्ते से निकलते हैं स्लोली स्लोली, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा बट आराम से निकल जाएंगे। जहाँ भी गहराई होगी वहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओ भाई देख रहे हो भाई, नदी क्रॉस करना महंगा पड़ ना जाए कहीं। चलो भाई निकल गए यार, यहाँ बहुत तगड़ा भाव है, देख रहे हो निकल तो गए हैं। चलिए ऐसा रिस्क नहीं लेंगे दोबारा बट ठीक है, बढ़िया है भाई। निकल रहे थे तो भाई नहीं बताया ऐसे निकलो, निकल गए भाई।
चले भाई टाटा बाय बाय। कितना मुश्किल से निकले होंगे गाड़ी, है ना, अभी पता चला भाई। इसीलिए हर चीजें महंगी होती है भाई, क्योंकि गाड़ियों की वो हालत खराब होती है। तुम एक बार शादी तो करो, हम यहाँ रहेंगे इस जंगल में, गएंगे खाएंगे बस इतना ही होगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ मैं गिर गया सीधा वापस नदी में चला जाऊंगा। पाला विलेज आया है, बढ़िया है यार, छोटे छोटे गाँव है ना मस्त। और अभी बारिश हो गई तो अभी ठंड लग रही है, अभी जो बढ़िया टावर आ रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। चलो भाई टोंक लोंग तो पहुंच चुके हैं, बट यहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बढ़िया है बट गांव शांत है एकदम मस्त। और एक लेक और है नीचे, देखते उसी रास्ते से जाएंगे अपन तो आएंगे, देखते एक फ़ोटो वहाँ लेंगे एक यहाँ लेंगे फिर निकल जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ से निकलना ज़रूरी है, यहाँ कोई सुविधा है नहीं अपने लिए। वैसे सुविधा की ज़रूरत पड़ती भी किसको है, अपने को तो कैंप लगाना है, कहीं भी लगा लेंगे। ओके एकदम मस्त एरिया है, वीडियो थोड़े कम मिलेंगे आपको क्योंकि बैटरी भी इसका पूरा जीरो हो रहा है। ओके भाई देख रहा हूँ कितनी भीड़ हो गई है शाम को, सब बैठे भाई देखने के लिए, सिर्फ बैटरी के क्योंकि लाइट नहीं है दो तीन दिन से, तो ये हाल है भाई सब।